पानीपत के पालिका बाजार के पास चौड़ा बाजार में पाल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक पाल बिल्डिंग में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग इस कदर भड़की हुई थी कि आस पड़ोस के दुकानदारों व फायर ब्रिगेड के भी आग काबू में नहीं आई। नतीजतन ऊपर की दो मंजिले बुरी तरह जलकर तबाह हो गई। आग ने इस कदर भयंकर रूप धारण किया कि चारों तरफ धुआं ही धुआं फैलता चला गया। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग पर काबू करने की भरपूर कोशिश करने में जुटे नजर आए। गौरतलब है कि आग बेकाबू होकर साथ लगते नीलकंठ ढाबे पर पहुंच गई, जिसमें ढाबे के दो मंजिल तक आग फैल गई। आग का यह तांडव साथ लगती एक और बिल्डिंग तक फैलता। इससे पहले वहां की जनता व फायर कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद तीसरे भवन को आग के तांडव से बचा लिया। बाद में पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। हालांकि आग के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन शॉर्ट सर्किट आग भड़काने का कारण पहली नजर में माना जा रहा है। पाल इलेक्ट्रॉनिक्स भवन में इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की रिपेयर व स्पेयर पार्ट्स की थोक बिक्री का कार्य किया जाता है। अनुमान है कि स्पेयर पार्ट के रबड़ ने आग फैलाने में अहम भूमिका अदा की होगी। खबर प्रसारित होने तक भवन में अभी भी धुआं होने का पता चलता रहा। ऊपर की मंजिल से स्पार्किंग होने से आग लगी है, लगभग 5-7 लाख का नुकसान हुआ है इसका, और इससे ज्यादा भी हो सकता है। अभी आग बुझने के बाद पूरा पता चलेगा। दुकान छोड़ के मेरी साथ की दुकान है, तो आपका अभी तो परमात्मा की कृपा से सेफ है। फायर ब्रिगेड टाइम पे आ गई है, अब आग बुझा रही है। कोई जाने नुकसान नहीं, जाने कोई नुकसान नहीं हुआ जी। सब्सक्राइब नाउ देन प्रेस बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।